angles and property of quadrilateral. Study I taught you some property of the quadrilateral and about some concept of the parallelogram and property of the parallelogram. Today let's discuss about the property of the quadrilateral, angle sum property. Angle sum property. So angle sum property of a quadrilateral. So to prove this angle sum property, you know that the sum of the angle of the all angle of a quadrilateral is 360 degree. How you can prove that? So take join the diagonal and take the 1, 2, 3 4, 5, 6 angle, and 1, 2, 3 equal to 180. This plus this 180, this plus this 180, with the help of the property of the sum of the angle of angle sum property of the triangle. और इसको ऐड कर लोगे तो 360 हो जाएगा. सही है, यही चीज़ें किया है यहाँ पे. ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो स्टडी आई टॉट यू, दिस इज ट्रैपीजियम, दिस इज ट्रैपीजियम. ओके, दिस इज ट्रैपीजियम, दिस इज रोम्बस, दिस इज रेक्टेंगल, सॉरी दिस इज रोम्बस, दिस मे बी योर पैरेललोग्राम, स्क्वायर, एंड दिस इज काइट. ठीक है, एक्सेप्ट काइट, दिज ऑल आर कॉल्ड द पैरेललोग्राम. This is the family of the parallelogram. Okay, so let us discuss the each and every property and prove the property of the parallelogram. Here, first theorem is your a diagonal of a parallelogram. A diagonal of parallelogram divides it into two congruent triangles. This is very easy. You know. Theorem related to parallelogram we can prove easily by proving congruent two triangle. Congruency का जो concept है उसको इस्तेमाल कीजिए. जैसे यहाँ कह रहता है कि ये diagonal of a parallelogram, here AC is diagonal, divide the this parallelogram ABCD in two congruent triangle. मतलब this triangle are congruent. अब congruent प्रूव करना है तो this is very easy. This is a parallelogram given, तो this parallel to this, this parallel to this. ओके, एंड दिस इज द कॉमन. ठीक है, अब पैरेललोग्राम हमारे पास सिर्फ है, तो पैरेललोग्राम के डिफिनेशन से आपके पास है क्या? ओनली अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इक्वल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल नहीं है आपके पास, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है. ओनली डिफिनेशन है, ये सारे प्रूफ करना है आपको, नहीं तो फिर वो सारे लगा रोगे तो और ईजी हो जाएगा. इसलिए आपके पास सिर्फ डिफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो दिस sides are parallel, this sides are parallel, and this is common. So this is, this angle is equal by the alternate angle, and this angle equal to this angle by alternate angle. So angle side angle से ये दोनों congruent हो जाएंगे. तो proof हो जाएगा आपका. ये proof करना था कि ये diagonal divide the parallelogram into congruent triangle. So in parallelogram, next is your in parallelogram opposite sides are equal. तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको congruent प्रूव कर देना है. सिर्फ ओनली यू हैव टू प्रूव दैट congruent, इसको और इसको congruent प्रूव कर दो, आपका हो जाएगा. ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सीपीसीटी से वहीं पे हो जाएगा. जब आप इसको और इसको congruent किए तो वहीं से अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे और अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. वो सारे एक ही है, ओनली कॉन्ग्रुएंट से प्रूव कर दोगे तो. ठीक है, ये सारे हो जाएंगे. ओनली कॉन्ग्रुएंट कर दो अपोजिट ट्रायंगल को, यू कैन प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर. इसके लिए आपको क्या करना है कि किसी अपोजिट ट्रायंगल को प्रूव करो कॉन्ग्रुएंट, मतलब इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो और हो भी जाएगा. ये दिस इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट से, दिस इक्वल दिस हो जाएगा अल्टरनेट से,
और ये अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम से, इससे पहले क्योंकि प्रूव कर चुके हैं आप, तो कंग्रुएंट हो जाएगा, ये कंग्रुएंट हो जाएगा, तो फिर दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा और दिस ओ बी इक्वल टू ओ बी, ठीक है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन, अब इसका कन्वर्स आ रहा है, अभी आप पैरेललोग्राम में जितने प्रॉपर्टी था उसको प्रूव किया, अब कन्वर्स में आपको करना क्या है कि अब ये जितने हैं, अब जितने प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हो उससे पैरेललोग्राम कन्वर्स में प्रूव करना होगा। इन मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन दिस इज पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन दिस इज पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मीन्स दिस इज पैरेललोग्राम, सो डायगोनल बाइसेक्ट टू इच अदर मीन्स दिस इज पैरेललोग्राम, इसका अपोजिट सारा चीज होगा। ओके, जैसे डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल का बाइसेक्ट कर रहा है, इस क्वेश्चन को आप देख लो, तो आपको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो मीन्स दिस इक्वल टू दिस हो गया, दिस इक्वल टू दिस हो गया, और ये अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से तो साइड एंगल साइड से कन्वर्जेंट हो जाएगा, और जब कन्वर्जेंट हो जाएगा तो ए बी इक्वल टू टी सी हो जाएगा, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, और इसी तरह ये एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे तो डी सी पैरेलल टू ए बी हो जाएंगे, बस हो गया, ये पैरेलल हो गया तो बस पैरेललोग्राम हो गया। इसी तरह इसको भी आप प्रूव कर सकते हो चाहोगे तो, और इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करके, ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी, सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, आप प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगल है ए बी सी डी है, रेक्टेंगल इज व्हाट योर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज योर पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम हो गया, तो ए प्लस बी हो गया कितना 180, ए प्लस डी 180, कोई इंटीरियर से आप कर लेना, ए प्लस डी 180 हो जाएगा, और ए और डी इक्वल है, राइट एंगल है, तो टू एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, इस तरह हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल करो, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे। ओके, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, चलिए तो हो गया था, इसी तरह द पैरेलल नेक्स्ट इज योर अनदर कंडीशन ऑफ फॉर क्वाड्रिलेटरल टू बी पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ ए पेयर पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी हेल्पफुल टू प्रूव दैट एंड एप्लीकेबल फॉर प्रूव दैट पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल एनी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, मतलब इससे ये फायदा है कि आप एक ही पेयर को बस इसको इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दो वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, मीन्स अब देख लो तो हो भी जाएगा, देखो दिस इज इक्वल, दिस अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, अब कन्वर्जेंट कर दो हो जाएगा पैरेललोग्राम, दिस एंगल इज इक्वल एंड दिस इज कॉमन, तो साइड एंगल साइड से कन्वर्जेंट हो जाएगा, और कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर बी सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा, और ये दोनों पेयर भी हो जाएगा, पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, दिस इज वेरी हेल्पफुल। ओके, तो यही है आपका, और कुछ इसमें तो है नहीं, इसके बाद एक्सरसाइज आते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप लोग करना है, जैसा क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट है 8.1 का, रेशियो में फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 9x, ओके, प्लस 13x इक्वल टू कितना 360, बाकी आप सॉल्व कर लोगे कोई दिक्कत है, x का वैल्यू जो आएगा पुट कर देना, पुट करना होगा तभी ये होगा, ठीक है।